तो गाइस अब करने वाले हैं हम गाड़ी के साथ फोम वॉश। ओ भाई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया यार? गाइस ये देख रहे हो आप? यार उम्मीद नहीं थी भाई, ये मेरा बम्पर ही निकाल देगी यार। सीरियसली यार, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, काफी टाइम से ना मैं अपनी गाड़ी के लिए हाई प्रेशर वॉशर ढूंढ रहा था, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक हाई प्रेशर वॉशर, और मेरा भी खुद फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है इस प्रोडक्ट के साथ। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो गाइज, ये है वो हाई प्रेशर वॉशर, इसका नाम है भाई कोस्टर कोसमोस हाई प्रेशर वॉशर। तो पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, 220 और 240 वोल्ट पे आप ये इजीली आप इसको रनिंग कर सकते हैं। 1800 वोल्ट की इसके अंदर मशीन देखने को मिलेगी। 150 बार का इसका हाई प्रेशर वॉशर है। 5 मीटर की आउटलेट पाइप है, मतलब इतनी ज्यादा लंबी है भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। और सबसे बड़ी बात, इसकी खासियत ये है, ये वाटर प्रूफ है, और भाई ये बिल्कुल ना ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि सूटकेस होता है ना उस टाइप में। मैंने भी ये ऑनलाइन ही मंगाया है अमेजन से, बाकी मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप भी मंगा सकते हो। तो गाइज, बाकी अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं देखने में कैसा लगता है। तो गाइस, इसमें पहले तो कुछ ये यूजर मैनुअल मिलते हैं, बाकी भाई ये इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं। ये अराउंड 5 मीटर पाइप बता रहे हैं, इसको भी यूज करके देखेंगे, अभी लगा के देखेंगे। इसमें टायर भी मिले हमें देखने को। ये है इसका प्लास्टिक का मटेरियल। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, काफी अच्छा है। और ये देखो भाई, बिल्कुल स्ट्रेचेबल है, ऐसा नहीं है हार्ड प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक होता ना तो अभी तक टूट जाता। ये फोम वॉश के लिए है अपने पास, ये पानी में डालने के लिए है, मतलब ये इनलेट के लिए है। ये भाई इसकी गन, टक 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 टक, बच के रहना भाई मेरे से, ठीक है। इसमें भाई ये इंसर्ट करने के लिए ऐसे, और यहाँ से लॉकिंग सिस्टम हो जाएगा, वो भी करके दिखाऊंगा। इसकी गन ने तो भाई दिल जीत लिया। ये आई थिंक यार गन के आगे लगता होगा, ये आ गया भाई। इसको हटाते हैं भाई। ये लो भाई, पेश है आपके सामने ये अपनी कोस्टर की मशीन। आप बताओ भाई नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। भारी तो है, बाकी यहाँ पर ना आपको कोस्टर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो उसको, जैसे ये ऑफ है, ये ऑन है। तो गाइस देख लो भाई, इतना ज्यादा तामझाम मिला है इसके अंदर। बाकी जो यूजर मैनुअल है ना, इसकी हेल्प से या फिर मैं खुद करने की कोशिश करता हूँ। इतने आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, और मैं इसको पूरा का पूरा असेंबल करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे यूज होता है। Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. यूजर मैनुअल बिना खोले ही तुम्हारे भाई ने ना भाई इसको देख लो पूरा का पूरा सेट कर दिया है। और जैसे देखो डब्बे में दिख रहा है ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करा है ये देखो भाई, ठीक है ना। बैकग्राउंड में भी देख लो आप, वो भी देख लो। और बाकी जो इसकी ये गन है ना, जैसे वहां पे लगी हुई है, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये लो भाई, तुम्हारे भाई ने ये भी सेटअप कर दिया, ठीक है। तो ये सेटअप बिल्कुल देख लो, उसकी तरह ही हुआ है, बिल्कुल गन भी हमारी ये रही और वो रीगन। बिना देखे भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। वैसे यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या आउटलेट पाइप, फोम स्प्रे, एंटल पाइप, ये जितनी भी सारी चीजें ना, नोजल वोजल, वो सारी की सारी चीजें ना हमें इसके अंदर डब्बे में मिली है। कुछ भी चीज मिसिंग नहीं है, और बहुत बढ़िया है भाई। अभी तक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, पाइप की ले लो आप, इसकी 5 मीटर के पाइप की ले लो, बाकी मशीन की ले लो, काफी बढ़िया है। टाटा बाय बाय, चलता हूँ भाई मैं, ये मेरा सूट केस है भाई, मिलेंगे दोबारा से, ठीक है भाई। ये खड़ी अपनी धन्नो। तो गाइज ये तो सब मजाक था। तो गाइज जैसे कि अभी आपने देखा, हमने इसको पूरा का पूरा जो है ना इनबिल्ड कर दिया है, बस एक इसका इनलेट और एक आउटलेट का पाइप जो है ना वो लगना बाकी रह गया है। भाई दिखने में तो वाकई में, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है, बट चलने में भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा। पहले इसके पाइप लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये पाइप है जो हमारे पास 5 मीटर का है, तो इसको सिंपली जो है देखो, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें सील भी दे रखी है, तो इसमें सिंपली हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और इसको कस देना है। तो गाइज ये इसका सेटअप है, ठीक है, जो ये इसके अंदर यहाँ पर लगेगा। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसको कस दिया है, इसमें फिल्टर लगा हुआ है, जो भी यहाँ से पानी इनटेक जाएगा ना इसके अंदर लेगा ये, वो फिल्टर होके जाएगा। और इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ये जो है ना, यहाँ पर ऐसे पुश किया और यहाँ करा, और ये भाई आपका लॉक हो गया, ठीक है भाई, ये कहीं नहीं जाएगा पाइप। कितना बड़ा पाइप है,
भाई साहब मजा आ जाएगा। इस मशीन को इजीली उठाते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं। गाइज ये हमारे पास पानी है और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है, यहाँ पर भी ना एक फिल्टर टाइप में दे रखा है जो ये पानी में रहेगा और थोड़ा वेट है, थोड़ा सा जो है ना ये ऊपर नहीं आएगा। हम फिर भी सेफर साइड के लिए ना यहाँ पर जो है इसको ऐसे दबा के रख देते हैं जिससे ये नीचे की तरफ ही लगा रहे। तो गाइज ये देखो आप वायर देखो भाई कितनी बड़ी है भाई साहब, करीबन नहीं करीबन ये होगी 3 से 4 मीटर तो वायर ही वायर होगी भाई। स्विच ऑन कर दिया है, अब यहाँ से ऑन करना पड़ेगा हमें इसको। तो अभी ये ऑफ पे है, ये ऑन। ओ भाई साहब, ओ यार भाई जैसे ही मैंने इसको चलाई यार इतनी हाई आवाज है इसकी जिसकी कोई हद नहीं है भाई, बहुत तकड़ी मशीन है भाई ये। इसमें अब जल्दी से गन लगाते हैं। तो गाइस पहले ना इस पाइप को सुलझा लेते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, मशीन देखो कहाँ पर है भाई, कितना डिस्टेंस है। तो गाइज ये अपनी गन है, आओ मैं बता देता हूँ इसको कैसे लगानी है। ये जब हम इसको पुश कर रहे हैं ना तो ये जो अंदर 2 पिन है वो अंदर घुस जा रही है, देखो ये दिख रहा है आपको, और यही चीज हमें इसके अंदर घुसानी है। अगर मैं इसे ऐसे घुसाऊंगा ना तो ये नहीं घुसेगी, तो हमें इसको पहले ऐसे करना पड़ेगा पूरा और फिर ये ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो भाई ये लॉक हो गई, ये कहीं नहीं जा रही, ये देखो भाई, ये देखो गाइज कहीं नहीं जा रही ना, लॉक हो गई वो। इसको लगाने का जो तरीका है सिंपल, अंदर 2 कट दिख रहे होंगे, ये वाले जो 2 कट है ये इसके अंदर लगाना है और ये यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक है ये फंस गया भाई। तो गन देख रहे हो भाई कितनी बड़ी हो गई, ये साइज देखो भाई आप, ओए भाई साहब ये देखना। तो भाई मैं चौकीदार की नौकरी करता हूँ बैंक में, गार्ड हूँ मैं आज से, ठीक है। तो ऐसे राइफल लटका के रखते हैं वो भी, तो मैंने भी लटका लिया। तो भाई बच के रहना ठीक है, अब प्रेशर जो है कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब ये घुमा सकते हो ठीक है ना। ये आप आगे की तरफ देखो, ये पतला और मोटा होगा मुंह इसका, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। तो बहुत देर हो गई भाई, अब ऑन करते हैं, अब होगा दूध का दूध पानी का पानी। धन्नो अपनी खड़ी है, ये भी अपनी गाड़ी है भाई विटारा, आपने डिलीवरी वाली वीडियो देखी होगी, तो दोनों गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी रहती है। अब चलेगी देखो, ये देखा आपने वो भाई साहब प्रेशर देखो, प्रेशर पे यहाँ पर खड़ा हुआ और देखो दीवार दिख रही है आपको सामने भाई, वो देखना आप, ये देखो पेड़ देखो भाई पेड़, ये देखो ऊपर देखो गाइस ऊपर, ओ भाई है ना गाइस कमाल की चीज। तो अब चलो उस गाड़ी पे ट्राई करते हैं, पहले मैं आपको गाड़ी की हालत दिखा देता हूँ। तो गाइस मेरी ये गाड़ी देख लो धन्नो, जो अभी काजा गई थी भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ी है, क्योंकि जो मेरे पास पहले हाई प्रेशर वॉशर है ना तो भाई उससे हमने वॉश कर ली थी, अंदर से भी ये साफ ही पड़ी है, एक तरीके से नीट एंड क्लीन ही बोलेंगे। गाड़ी आप देखो कहीं से भी गंदी नहीं है, आगे से देख लो, ऊपर से देख लो, बाकी भाई पीछे से देख लो ठीक है ना। फिर भी मैं आपको इस पर पानी मार के दिखा दूंगा, हल्का फुल्का तो पानी मार ही सकते हैं, बाकी देखो भाई यहाँ पर पानी मारा यार क्या मजा आ गया भाई। और बाकी यहाँ देखो आप गाड़ी के ऊपर बिल्ली के निशान दिख रहे होंगे आपको, कोई बिल्ली चढ़ी है। तो बाकी आप नीचे से हालत देख सकते हो भाई इसकी, ये देखो भाई ठीक है कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। और बाकी हैंड से भी दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी मिट्टी है भाई ठीक है। तो अब इसको यहाँ से साइड वॉश करते हैं, फिर देखते हैं भाई ये कितना ज्यादा कैपेबल है भाई इस मिट्टी को साफ करने में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो आप। तो भाई सबसे पहले हम अलॉय चमकाने वाले हैं, ये लो भाई। गाइज मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखो जैसे मैं अभी हाई प्रेशर मार रहा हूँ ना तो मैं टायर पे मार रहा हूँ जहां से हमें मिट्टी निकालनी है। जब आप बॉडी पे मारोगे जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स हैं उन पे आपको कोशिश करनी है कि प्रेशर को थोड़ा सा मोटा कर दे जिससे कि गाड़ी पे कोई भी डैमेज ना हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, ये पेंट तक हटा देती है, इतनी तगड़ी मशीन है भाई, 1800 वोल्ट कम नहीं होता। अभी ना मैंने टायर ही वॉश किया है, अभी आप टायर पे देखो भाई कहीं भी आपको मिट्टी दिख रही है, मतलब अलॉय व्हील्स पे आप देखो बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल कंपनी वाला जेन्युइन वाला मजा आ गया, कहीं कोई एक मिट्टी का नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ से, ये देखो भाई मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मारा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल मिट्टी गायब। जो इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी ना हल्की फुल्की ऊपर आपको दिखेगी, क्योंकि ऊपर से मैंने मारा नहीं अभी, पर जहाँ जहाँ मारा है जहाँ जहाँ आपने वीडियो में देखा है ये देखो भाई पूरी मिट्टी गायब। एक बार ना गाड़ी के ऊपर मारते हैं पूरा का पूरा। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा हमने भाई अपनी धन्नो ग्रैंड विटारा को मतलब एक तरफ से तो चमकाई दिया है, पर भाई लिया तो हमने यार अपनी स्विफ्ट के लिए भी है, तो यार स्विफ्ट भी मार लेते हैं थोड़ा सा, इस पे भी यार मतलब बरसात कर ही देते हैं थोड़ी बहुत। ओह
ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यार। गाइस ये देख रहे हो आप यार, उम्मीद नहीं थी भाई, ये मेरा बम्पर ही निकाल देगी यार। सीरियसली यार, मेरे को सच में भाई, बस रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने बस जस्ट हल्का सा बम्पर के नीचे मारा है यार, प्रेशर भी इतना तकड़ा नहीं था, बट फिर भी भाई ये देख लो आप, तो आप उससे अंदाजा लगा लो भाई, मैंने बिल्कुल इसको, मेरा प्रेशर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट में भी नहीं रखा हुआ था, मैंने थोड़ा हल्का सा रखा हुआ था, उसके बाद भी देखो इसने मेरा बम्पर उखाड़ दिया। चलो भाई बम्पर तो अंदर हो जाएगा, बट यार आप उससे अंदाजा लगा लो कि भाई कितना ज्यादा हाई प्रेशर है भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, गाड़ी के ऊपर मार के दिखाता हूँ, बट भाई इस चीज के लिए तो भाई एक लाइक जरूर कर देना, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रेशर है भाई इसका। इसका ना एक बेनिफिट और है, क्योंकि गन देखो ज्यादा बड़ी है, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहीं से ही प्रेशर मारते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गन ना इतनी होती है, जो मेरी पहले वाली मशीन थी ना उसकी भी ना गन यहीं तक ही थी, बट इसमें देखो एक बेनिफिट है, अगर आपको मान लो गाड़ी के छत पे मारना और आपकी गाड़ी जो है थोड़ा हाइट पे है, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई या डिफेंडर हो गई, इस टाइप की गाड़ियां जो होती है उस पे भाई आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई ये लो, तो गाइस अब करने वाले हैं हम गाड़ी के साथ फोम वॉश, तो फिलहाल देखो भाई क्लिनिक प्लस का शैम्पू है ये मैं डाल रहा हूँ, बाकी इसके जो है ना शैम्पूज आते हैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन पे, वो थोड़े महंगे होते हैं, बट आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट भाई मेरे पास अभी क्लिनिक प्लस था, दैट्स व्हाई मैं भाई यही डाल रहा हूँ। गाइस इसमें ऐड करेंगे अब थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी मैंने ऐड किया है इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा, और अब जो है ना इसको हिला लेते हैं। ये लो भाई, ये देखो गाइस झाग बन गए ना, ये यहाँ पर लॉक हो गया, ये निकल गई भाई, ठीक है गन निकल गई हमारी, और इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। और ये जो सिस्टम था ना हमारा, जैसे उसमें मैंने लगाने का तरीका बताया था आपको, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। ये देखो यहाँ पर ये लगा, थोड़ा सा दबाया और ये लग गया, ठीक है भाई, और यहाँ से भाई हमारा फोम निकलेगा अब यहाँ पर, अब आप देखना। तो ये दिख रहा होगा आपको फोम आ रहा है, बट ना के बराबर आ रहा है, वो उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैंने शैम्पू कम ऐड किया, मैं एक शैम्पू और इसमें ऐड कर देता हूँ, फिर देखना आप। तो गाइस फाइनली इसमें मैंने एक और शैम्पू अब ऐड कर दिया है, अब भाई इस विटारा पे मारेंगे, इस पे ना आपको अच्छा वो मिलेगा रिव्यू जो है भाई इसका, ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि भाई ये थोड़ा सा मेटेलिक कलर है ना, और इस पे आराम से व्हाइट कलर दिख जाएगा, बाकी अपनी स्विफ्ट पहली ऑलरेडी व्हाइट कलर है, उस पर दिख नहीं रहा इतना ज्यादा, बट आप इसके शीशे पे देखोगे ना तो आपको दिखेगा, देखो गौर से देखो आप, ठीक है, तो इस पे अभी भी व्हाइट व्हाइट कलर है जो अपना फोम का होता है, बाकी मैं आपको इस पे मार के दिखाता हूँ। अब एक शैम्पू और हमने डाल दिया है, ये लो भाई, तो गाइस फोम जो है अब खत्म हो चुका है, अभी आपने देखा, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखना सामने यहाँ पर बम्पर पे, ये देखो, तो फोम जो है ना अब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और आपको एक अच्छी चीज बताऊं भाई, जो हमारी ये दोनों की दोनों गाड़ी वॉश हो गई है, दो बाल्टी में, और देखो अभी भी आधी बाल्टी है हमारे पास। तो गाइस आपको ना मैं एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, जो हमने प्रेशर मारा था ना, मैंने अभी ध्यान दिया, अभी देखो आप इसको, फोम वोम नजर आ रही होगी आपको, ये दिख रहा है आपको भाई, बिल्कुल भी मट्टी नहीं है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, तब ना आपको अच्छे से भाई पता चलेगा, ये देखो मट्टी देखो आप, कितना फर्क है, आप इस चीज से अंदाजा लगा लो। अलॉय व्हील्स पे तो मैंने खैर अभी आपके सामने मार के दिखा दिया है, क्योंकि इस साइड में मैंने पानी मारा है, बाकी मैंने इधर की गाड़ी नहीं करी क्लीन, उसके पीछे का रीजन यही था कि मैं पहले आपको उधर से करके दिखा दूं और आप डिफरेंस पता लगा सको। बाकी मैं आपको पिछला टायर भी दिखा देता हूं, जिससे एक आपको एक आइडिया लग जाए कितनी ज़्यादा बेकार हालत हो रखी है गाड़ी के पीछे से। और ये आप इसका भी रिस्पांस देख सकते हो, अलॉय व्हील्स का तो इतनी गंदी थी हमारी गाड़ी, जैसे कि अभी आपने देखा भाई पूरी गाड़ी चमका दी इस प्रेशर वॉशर ने। तो अब बात करते हैं कि भाई ये लेने लायक चीज़ है भी या नहीं। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा कोस्टर कोसमोस के हाई प्रेशर वॉशर ने कितना ज़्यादा कमाल कर दिया भाई, अपनी दोनों गाड़ी वॉश हो गई। अगर आप एक सिंपल एक गाड़ी को वॉश करना चाहते हैं किसी भी स्टेट में, तो भाई मोटा मोटा 400 से 500 रुपए का खर्चा तो लगता ही है। और प्लस इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, इससे आप अपने एसी की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, गाड़ियाँ वॉश कर सकते हैं, बाइक वॉश कर सकते हैं। तो भाई अपने घर में तो पहली ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ हैं, तो उससे काम अंदाजा लगा लो, अगर हर महीने मैं 500 रुपए भी उसमें डालता हूँ एक गाड़ी में,
तो तीन गाड़ियों के 1500 रुपए हो गए, और पर बाइक का 50 रुपए के हिसाब से लगा लो 150 रुपए, ये तो वही अराउंड 2000 रुपए मेरे सेव हो जाते हैं अगर मैं ये मशीन को परचेज करता हूँ। बाकी ये जो मैंने मशीन परचेज की है कोस्टर कोस्मोस की, ये मेरे को पड़ी थी अमेजन से 8000 रुपए की। बट अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, प्रोमो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी शो रहा होगा SKCARPW03। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। तो गाइज अभी जाओ जल्दी से इस कोस्टर कोस्मोस की मशीन को बुक करो और 15% ऑफ पाओ। तो गाइज बस यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई इस वीडियो को बनाने में क्योंकि दोनों गाड़ी वॉश की है और साथ साथ आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते हो भाई कितना ज्यादा पसीने आ रहे हैं, पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है, पूरी पैंट गीली हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कोस्टर कोस्मोस की मशीन कैसी लगी, और ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिनको भी हाई प्रेशर वॉशर मशीन चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। We'll be right back.